हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़ों के प्रकार। तो समझते हैं ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में। आज की वीडियो में बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जाने वाला हूं आपको। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, जॉइंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे ऑर्थोलॉजी क्या होती है। ऑर्थोलॉजी, आपने एक वर्ड सुना होगा। ऑर्थोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ये एक वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है। और जब मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो ऑर्थो प्लस लॉजी टू वर्ड से मिलके बनाए ऑर्थोलॉजी। अब ऑर्थोलॉजी होता क्या है? ऑर्थो मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जोड़। और लॉजी मीन्स क्या होता है? लॉजी मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? जब हम ज्वाइंटों के अध्ययन की बात करते हैं कि जॉइंट लंबा है, छोटा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, किस टाइप का जॉइंट है। जब भी लॉजी शब्द आता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना कि हमारी ह्यूमन बॉडी में किस किस टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऑर्थोलॉजी मींस क्या होता है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स मींस जब जॉइंटों का जब अध्ययन करते हैं कि कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स। तो ये जब हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये मूवेबल है, इमूवेबल है, तो इसको कौन क्लैरिफाई कर रहा है? तो वो है ऑर्थोलॉजी। इसकी मदद से हम जॉइंटों के टाइप्स को, प्रकार को हम जो है जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ये इस टाइप का जॉइंट है, ये इस टाइप का जॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। जब हम ऑर्थोलॉजी की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्टडी ऑफ बोन। आपने सुना होगा कि बोन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको पता है बोन से ही जॉइंट्स मिलकर तैयार किया जाता है। फिर उसमें हमारे बहुत सारी चीजें आती है, कार्टिलेज भी आती है, फ्लूइड भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो बोन के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी और जॉइंट के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। तो हमें इंजरी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एक स्पेशलिस्ट होता है जो बोन का होता है और एक स्पेशलिस्ट होता है जॉइंट्स का होता है। जब भी आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है तो आप जॉइंट वाले पर जाएं। तो अब समझते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं उनके अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। उसके बाद है जॉइंट्स मीन्स होता क्या है, जोड़ मीन्स होता क्या है, अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक बोन या दो बोन से अधिक जब आपस में जुड़ रही हैं तो उस कंडीशन को हम जॉइंट्स बोलते हैं, उस कंडीशन को हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपकी टिबिया, फिबुला और फीमर, ये दोनों जब तीनों बोनों को जब जोड़ते हैं तो आपका नी जॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से उसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, हिंज जॉइंट बन जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट, जॉइंट्स क्या करते हैं? मूवमेंट कराने में आपकी पूरी भूमिका को निभाते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। जब आपका कोई जॉइंट्स जब वो फिक्स होगा तो मूवमेंट ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट जो है आपको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में हम समझ सकते हैं जोड़ों का अध्ययन और दो या दो से अधिक हड्डी जब आपस में मिलती है उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, गतिविधियों को अनुमति देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स मीन्स हम बोल सकते हैं हिंदी में कि जोड़ों का वर्गीकरण, कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। तो आप सब लोग जानते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कंफ्यूज करने वाला है आपको। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की मैं बात करता हूं तो हमने जॉइंट्स की कैटेगरी को अगर मैं यहां पे इस तरीके से दो एरो लगा दूं आपके सामने और यहां पे मैं लिख देता हूं ऑन दी बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, और ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। कहने का मतलब है हमारे ज्वाइंट जो है टू टाइप्स के हैं, एक है स्ट्रक्चर के आधार पर, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, और एक है हमारा मूवमेंट्स के आधार पर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं फंक्शन के आधार पर, वो कैसा कार्य कर रहा है, वो कैसा मूवमेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये क्वेश्चन ना आकर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, एक क्वेश्चन जो बनता है वो फिक्स है कि ज्वाइंट कितने प्रकार की होते हैं, तो आंसर इज थ्री टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, आप सारे लोग समझ लेंगे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मूवेबल, और दूसरा जो होता है इमूवेबल, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइडली मूवेबल। स्लाइडली मूवेबल नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। मूवेबल मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको चल संधि, जो चल रही है, और इमूवेबल मतलब होता है जो चली नहीं रही है, अचल संधि हिंदी में बोलते हैं। और स्लाइडली मूवेबल का मतलब होता है अर्ध चल संधि, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है उसमें, थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है सबसे ज़्यादा, जब भी आपको क्वेश्चन देखे कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो टू टाइप्स के नहीं लगाने हैं आपको, हमेशा जॉइंट्स थ्री टाइप्स के लगाने हैं। जब आपको थ्री ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आपको लगाना है कि जॉइंट टू टाइप्स के होते हैं। तो मैंने जॉइंट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। तो समझते हैं, फंक्शनल की जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि कितना मोबिलाइजेशन है, कितना रेंज है उसकी, कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब हम बोल सकते हैं कितना मूवमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर फंक्शन के आधार पर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पहला जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेनाथ्रोसिस जॉइंट, सेनाथ्रोसिस जॉइंट्स को हम हिंदी में और इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में सेनाथ्रोसिस को नहीं पढ़ना है आपको, इंग्लिश जॉइंट जितने भी हैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। तो सेनाथ्रोसिस जॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। इमूवेबल जॉइंट मीन्स हम बोल सकते हैं यह मूवमेंट नहीं करता है, इमूवेबल जॉइंट। इसका एग्जाम्पल है क्रेनियल सूचर इन अडल्ट, हमारी खोपड़ी में। क्रेनियल की बात करूँ, स्कल की हम बात करते हैं, स्कल के अंदर जो क्रेनियल, और क्रेनियल की हम बात करें सूचर, तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लेना। अब इसका एग्जाम्पल हम जब क्रेनियल की बात कर रहे हैं तो ये सेनाथ्रोसिस ये जो है इसका एग्जाम्पल है आपकी क्रेनियल बोन, स्कल बोन या सूचर। सूचर का पर्टिकुलर जो है नाम है, ज्वाइंट का सूचर नाम है, जो सूचर जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलर ज्वाइंट का नाम है। आपको ये पूछ सकता है ये कहाँ देखने को मिलता है, स्कल में, कहाँ देखने को मिलता है, क्रेनियल में, और ये नहीं मिलेंगे तो पर्टिकुलर नाम पूछ सकता है उस ज्वाइंट का नाम क्या है सेनाथ्रोसिस का, वो है आपका सूचर ज्वाइंट। अब उसके बाद है एम्पियाथ्रोसिस ज्वाइंट, एम्पियाथ्रोसिस ज्वाइंट स्लाइडली मूवेबल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया थोड़ा सा स्लाइड करता है ज्वाइंट, और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपके वर्टेब्रा में देखने को मिलता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ एम्पियाथ्रोसिस ज्वाइंट का, ये आपकी जो पेल्विक गिडल है उसके बीच में भी ये ज्वाइंट देखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है इसका वो है आपकी टिबिया और फिबुला, इन दोनों हड्डियों के बीच में जो है ज्वाइंट देखने को मिलता है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद है हमारा डायथ्रोसिस ज्वाइंट, हमने सेनाथ्रोसिस किया, एम्पियाथ्रोसिस किया और डायथ्रोसिस। डायथ्रोसिस मीन्स होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जैसे कि हमने बताया मूवेबल ज्वाइंट, हर जगह मूवमेंट करने वाला, फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, ये इसका मतलब डायरेक्शन नहीं, मतलब जो डायरेक्शन है उसका। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट सिनोवियल ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक सिनोवियल फ्लूइड नाम का जो पदार्थ है वो देखने को मिलता है, एक फ्लूइड देखने को मिलता है ज्वाइंट के बीच में। जैसे मैं नी ज्वाइंट की बात करूं, नी ज्वाइंट के ऊपर एक छोटी सी टोकरी लगी रहती है जिसको आप पटेला बोन बोलते हैं, उसके बीच में कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक फ्लूड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं सिनोवियल फ्लूड। एक एक चीज नोट कर लेना, आपके सारे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये एम्पियाथ्रोसिस का हमने जो डिस्कस किया, डायथ्रोसिस का मैंने आपको बताया ये है आपका पेल्विक, आपका नी, आपकी एल्बो, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं डायथ्रोसिस ज्वाइंट।
तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो है आपका फंक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं, या हम इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर के इसको ये इसका जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये, और फंक्शन जो वो कैसे कार्य कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये लिखी हुई है, ये आपकी मूवमेंट के आधार पर चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, मोबिलिटी के आधार पर, फंक्शनल के आधार पर, जिसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शन मतलब है कि वो मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से भी आप जोड़ेंगे। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हम समझेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है SAD, सेड। आप सब लोग जानते हैं जब आप तैयारी करते हैं और आप कुछ चीज़ को याद करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो सेड हो जाते हैं। तो सेड याद कर लो, एस से सानथ्रोसिस, ए से एम्फियाथ्रोसिस और डी से डायथ्रोसिस। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं से बनता है, फंक्शनल मतलब मूवमेंट के आधार पर जो ज्वाइंट्स पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सेड से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसकी बनावट कैसी है। तो चलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, तो मैं आपको बताने वाला हूँ फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो कैसा होता है। फाइब्रस ज्वाइंट्स कंपोज्ड ऑफ इंटरवेनिंग फाइब्रस टिश्यू विथ नो ज्वाइंट कैविटी, इसको इमूवेबल या स्लाइडली मूवेबल बोलते हैं। कहने का मतलब है फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये कभी मूवमेंट नहीं करता है, इसको हम फिक्स ज्वाइंट भी बोलते हैं, इसको हम फिक्स ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसमें कोई कैविटी देखने को नहीं मिलती है। आप बोलेंगे सर कैविटी क्या होती है, कैविटी का मतलब होता है खाली गोआ, एक खाली स्थान और उसके बीच में कुछ ना कुछ भरा हुआ है या वो खाली है, मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है। तो फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर कोई कैविटी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो उसके अंदर कैविटी है, एक कैप्सूल है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो कैविटी है ना, कैविटी मतलब खाली गोआ, या हम बोल सकते हैं खाली स्पेस, और खाली स्पेस होगा उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। तो फाइब्रस ज्वाइंट में ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ये इमूवेबल ज्वाइंट है। अब इसका फाइब्रस ज्वाइंट के एग्जांपल की बात करूं तो ये है आपका सूचर, इसको हम बोलते हैं सूचर, और सूचर कहाँ मिलता है, आपकी स्कल में, स्कल में। और फाइब्रस ज्वाइंट इसका नाम है किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। तो स्कल के अंदर सूचर ज्वाइंट्स देखने को मिलता है। सूचर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ये लाइन सी जो कर रही है, जो नदी सी जो बह रही है, ये जो लाइन जो मार्क करते हैं हम खोपड़ी को, हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये सूचर क्या करते हैं आपकी खोपड़ी को डिवाइड करते हैं। वो जो आपके पार्ट्स हैं, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल है, पैरिटल है, जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये सब ये सूचर की मदद से जुड़े हुए हैं, सूचर की हेल्प से ये सब जुड़े हुए हैं, ऐड हैं। अब कार्टिलेज की मैं बात करूं, कार्टिलेज ज्वाइंट्स आर्टिकुलेटिंग बोन आर यूनाइटेड वाया कार्टिलेज हेयरलाइन फाइब्रोकार्टिलेज विथ नो ज्वाइंट कैविटी। याद रखना कार्टिलेजियस या कार्टिलेज ज्वाइंट्स किसी भी तरीके से पूछ ले तो घूमना नहीं है आपको, क्वेश्चन को घुमा देना है। इसके अंदर हेयरलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज नाम दो कार्टिलेज हैं जो वहाँ पर ज्वाइंट्स में देखने को मिलेंगे और उसको जकड़ के रखती हैं, क्योंकि ये स्लाइडली मूवमेंट करता है। कहने का मतलब है ये इसके अंदर कोई भी नो कैविटी मैंने बताया ना कि हमेशा याद रखना साइनोवियल ज्वाइंट्स में कैविटी देखने को मिलती है, इसमें कार्टिलेज ज्वाइंट्स में नो कैविटी, और ये कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए रहते हैं, याद रखना। अब जैसे ये कार्टिलेज ज्वाइंट्स है तो इसका जो एग्जांपल ये यहाँ पर है। अब कार्टिलेज ज्वाइंट्स का जो एग्जांपल है हम बात करें तो जो इम्पेसिस जो होती है, यहाँ पर एक प्लेट होती है और हम बोल सकते हैं पीविक ज्वाइंट जो होता है वो आपका कार्टिलेजियस ज्वाइंट से जुड़ा हुआ होता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, ये मेरा पार्ट वन है, जब मैं सेकंड पार्ट में आऊँगा तो और इसको अच्छी तरीके से मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट की मैं बात करूँ, आर्टिकुलेटिंग बोन आर सेपरेटेड बाय अ फिल्ड ज्वाइंट, मतलब फ्लूड फिल्ड ज्वाइंट एक द्रव्य पदार्थ है जो एक कैप्सूल के अंदर, एक खाली गोआ के अंदर भरा हुआ है, और जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा नी।
तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो हो गई बोन, इसको हम बोलते हैं फीमर बोन। और फीमर बोन जो होती है इसी को हम बोलते हैं थाई बोन, मजबूत हड्डी है। अब उसके बाद है ये है नीचे वाली ये बोन, इसको हम बोलते हैं टिबिया, टिबिया बोन। टिबिया को हम बोलते हैं सिन बोन। भाई छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। इसके बीच में एक कैप्सूल है और आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसके ऊपर एक फिर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बीच में एक जो कैप्सूल है मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक फ्लूड भरा हुआ है। आप देख सकते हैं एक मेरी वीडियो पड़ी हुई जॉइंट्स की, मेरा नी जॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने आपको। तो ये फ्रीली मूवेबल है बहुत ही इजीली तरीके से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर जॉइंट की बात करूं तो वो है आपका नी जॉइंट। इसमें 4 टाइप्स के लिगामेंट देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड कहाँ देखने को मिलता है, नी में। इसीलिए बोलते हैं इसके घुटने घिस गए, इसका फ्लूइड खत्म हो गया है। तो याद रखना ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। और इसके एग्जाम्पल नी के साथ साथ आपकी एल्बो भी है, आपकी नेक भी है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस लेक्चर में ये एग्जाम्पल इनफ है क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते, नोट नहीं कर पाते। शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होंगी, जल्दी आसानी होगी हमें लर्न करने में, नोट्स बनाने में। तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर मतलब उसका ढांचा कैसा है, तो फाइबरस टाइप का है, कार्टिलेज टाइप का है, सैनिबल टाइप का है। याद रखना इन क्वेश्चनों को। अब मैंने आपको बताया नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, ये मैंने आपको बताया मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि इस वीडियो से जो रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइबरस जॉइंट्स एक्सेप्ट। कहने का मतलब है निम्नलिखित को छोड़कर सभी रेशेदार जोड़ के उदाहरण, मतलब एक को छोड़कर कोई ना कोई तो होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सूचर, आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया भाई सूचर तो फाइबरस जॉइंट है, ये फाइबरस जॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। चलो अब मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल ही बताया गिम्पोसिस जॉइंट। तो गिम्पोसिस जॉइंट ये आपके टीथ का जॉइंट है, हम बोल सकते हैं माउथ में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये तो है ही है, ये तो है ही है क्योंकि ये फाइबरस जॉइंट है, ये है और ये है। अब बात आती है सिंडोमोसिस जॉइंट में और सिम्फिसिस जॉइंट में। तो सिंडोमोसिस जॉइंट जो है, सिंडोमोसिस जॉइंट की जब मैं बात करूं, ये आपका सूचर जॉइंट मतलब फाइबरस जॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सिम्फिसिस जॉइंट ये नहीं है, एक्सेप्ट की बात कर रहा है इस इनमें से छोड़कर। और सिम्फिसिस जॉइंट जो है ये किसका एग्जाम्पल है, सिम्फिसिस जॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिनोवियल जॉइंट्स एक्सेप्ट। सिनोवियल जॉइंट को छोड़कर, इसमें बोला निम्न में छोड़कर सभी सिनोवियल जोड़ के उदाहरण है इनमें से। अब मैंने आपको बताया सिनोवियल का मतलब होता है फ्रीली मूवमेंट करने वाला। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल है हमारे सामने, आपको पता है पिवोट भाई मूवमेंट कर रहा है इजीली तरीके से, सिनोवियल है। आपको पता है सैडल जॉइंट, थंब की हम बात कर रहे हैं, हैंड की बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहा है। और इलिप्सॉइड ये भी मूवमेंट कर रहा है। सिंडोमोसिस जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया, सिंडोमोसिस जॉइंट के बारे में बताया, तो ये कैसा है सिंडोमोसिस जॉइंट, ये फाइबरस जॉइंट है, मतलब हम बोल सकते हैं फिक्स जॉइंट है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आंसर इज सी, और इसका हो जाएगा आंसर इज सी। नेक्स्ट मेरे साथ में करते चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, सब टाइप ऑफ गिम्पोसिस इज क्लासिफाई अंडर। ये गिम्पोसिस क्या है, मैंने आपको बताया कि गिम्पोसिस जो जॉइंट है ये फिक्स जॉइंट है। पहली बात तो फिक्स याद कर लो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फिक्स हो गया। अब उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो वाई एक्सियल सिनोवियल जॉइंट। तो याद रखना सिनोवियल लगा दिया तो है ही नहीं है। अब देखो उसने बोला है सब टाइप गिम्पोसिस इज क्लासिफाई अंडर, तो आपको पता है सिम्फिसिस ये आपको पता है किसका एग्जाम्पल है, ये कार्टिलेजियस का है। सेकेंड्रोसिस ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका कार्टिलेजियस का है। तो फाइबरस जॉइंट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा,
फाइब्रस ज्वाइंट, आंसर इज सी गिम्पोसिस। तो फाइब्रस ज्वाइंट फिक्स होते हैं जो कि मुंह हमारे गम टीथ में देखने को मिलता है, सूचर भी फिक्स है, फाइब्रस है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया फंक्शन के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ साइनोवियल ज्वाइंट्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी साइनोवियल की विशिष्ट विशेषता हैं। ऑप्शन है हमारे सामने, आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। याद रखना इस क्वेश्चन को कि साइनोवियल ज्वाइंट की जब हम बात करते हैं कार्टिलेज का वहां पर कोई रोल नहीं है। हैव अ ज्वाइंट कैविटी फील्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, बिल्कुल सही है, ये इसमें हमेशा साइनोवियल ज्वाइंट्स में कैविटी फ्लूइड मिलेगा। मोस्टली आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जितने भी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट है सब फ्रीली हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज आर कवर्ड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल मेम्ब्रेन तो होगी, मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत, एक लेयर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो है ए, ये नहीं है, इसमें कार्टिलेज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ किसी गति की अनुमति नहीं देता है, कोई परमिशन नहीं दे रहा। तो देखो साइनोवियल तो परमिशन दे रहा है, बॉल एंड सॉकेट भी परमिशन दे रहा है। बॉल एंड सॉकेट कहां पर होता है, आपके शोल्डर में होता है, आपके शोल्डर में होता है, आपके हिंदी में बोलते हैं आपके कंधे में होता है बॉल एंड सॉकेट, जिसको हम बोलते हैं मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल। याद रखना एक एक क्वेश्चन को, और कार्टिलेज ज्वाइंट्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है ना, स्लाइडली मूवमेंट होता है, इसने बोला है कोई मूवमेंट नहीं, तो याद रखना फाइब्रस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और ये होता है फिक्स ज्वाइंट, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सूचर ज्वाइंट। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सेलर ज्वाइंट्स कहाँ देखने को मिलता है, इसका जो है आप मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि सेलर ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आप बीपीएड, यूजी पीजी, बीपीएस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड एंड जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, तो किसी भी खिलाड़ी को अगर परेशानी है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।